मैं आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। मुख्तार के करीबी गुर्गे ने बैंक को 107 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया है। आरोपी ने बैंक से ये लोन कंस्ट्रक्शन कंपनियों के नाम पर लिया था और इतना ही नहीं, जब बैंक लोन वापसी की मांग करने लगी तो वो मुख्तार अंसारी के नाम की धमकी देने लगा। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। साथ ही मुख्तार अंसारी के गुर्गे शकील हैदर ने हिंद कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और हिंद बिल्केट कंपनी के नाम पर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से 107 करोड़ रुपए के लोन लिए थे। इसके बाद उसने लोन के लिए गिरवी रखी जमीन को भी लोगों को बेच दिया था। साथ ही उसने लोन की रकम भी चुकाई नहीं है। अब लोन के लिए बैंक कर्मी उसके आसपास तो पहुंच रहे हैं और उसने उनके मुख्तार के नाम का रसूख दिखाया है। अब इस पूरे मामले में बैंक की ओर से मिली शिकायत के बाद पुलिस ने हैदर पर 4 FIR दर्ज कर ली है। साथ ही हैदर ने हिंद कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 65 करोड़ और हिंद बिल्टेक कंपनी के नाम पर 42 करोड़ रुपए का लोन लिया है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर के बाद PNB ने इस मामले में अब जाँच की है। भारत की युवा गोल्फर अदिति अशोक टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने से चूक गई है। उनका एक शॉट उनके पिछले 3 दिन के प्रदर्शन पर भारी पड़ गया और मेडल से वो दूर हो गई हैं। अदिति भले ही पदक से चूक गई हों, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से हर किसी को प्रभावित किया है। बता दें, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके खेल की प्रशंसा भी की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया और लिखा कि अच्छा खेली अदिति अशोक, भारत की एक और बेटी ने पहचान बनाई। आज के इतिहास प्रदर्शन से अपने भारतीय गोल्फ को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आपने बेहद शांति और शिष्टता के साथ खेला है, प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए बधाई। वहीं PM मोदी ने भी उनके लिए ट्वीट किया और ट्वीट में PM मोदी ने लिखा, अपने टोक्यो ओलंपिक के दौरान जबरदस्त कौशल और संकल्प दिखाया है, साथ ही पदक से दूर रह गए लेकिन आप किसी भी भारतीय से कहीं आगे नहीं निकल गई है। आपको भविष्य के प्रयासों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अदिति महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले में 4th स्थान पर रही हैं। साथ ही अदिति शुक्रवार को खत्म हुए 3rd राउंड के बाद दूसरे स्थान पर थी। बता दें, अदिति आज 4th राउंड में भी लगातार टॉप 4 में बनी रही थी और अदिति अशोक ने अपने आखिरी शॉट में बर्डी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही और केवल एक स्ट्रोक ने उनके ऐतिहासिक मेडल उनसे छीन लिया। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे में अब ATM की संख्या बढ़ाई जाएगी। जी हां, उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और अगले 2 से 3 महीनों के दौरान प्रयागराज मंडल के तमाम रेलवे स्टेशनों पर 47 ATM लगाए जाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए बैंकों को दी जाने वाली प्रक्रिया भी तकरीबन पूरी हो गई है। दरअसल प्रयागराज मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर ATM की सुविधा तो है, लेकिन बीते कई महीनों से स्टेशनों पर लगे बहुत से ATM काम नहीं कर रहे हैं और इससे यात्रियों को भी असुविधा होती है। उन्हें रुपए निकालने के लिए स्टेशनों से बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच कुछ बैंकों ने रेलवे स्टेशनों पर ATM लगाने के लिए मंडल के कमर्शियल विभाग से संपर्क किया है। फिलहाल तमाम बैंकों ने प्रयागराज मंडल के 23 रेलवे स्टेशनों पर 47 ATM लगाए जाएंगे। वहीं आपको बताते चलें कि सर्वाधिक 11 ATM कानपुर सेंट्रल में लगाए जाएंगे। इसके अलावा प्रयागराज जंक्शन पर 7, सूबेदारगंज में 4, कानपुर अनवरगंज और मिर्जापुर फतेहपुर इटावा अलीगढ़ जंक्शन में 2-2 ATM लगाने की तैयारी की जा रही है, जबकि प्रयागराज छिपकी और पनकी धाम गोविंदपुरी चुनार विध्यांचल मणिकपुर पपूंद फिरोजाबाद शिकोहाबाद टुंडला हाथरस सोमनाथ खुर्जा और दादरी रेलवे स्टेशन पर 1-1 ATM लगाया जाएगा। साथ ही प्रयागराज मंडल के सीनियर PRO अमित सिंह ने बताया है कि ATM लगाए जाने का काम जल्द ही शुरू होगा और इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रयागराज के लाल फाटक क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज का निरीक्षण करने आए उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने कहा कि सेतु निगम चाहे जब तक काम करे, लेकिन ओवरब्रिज पर रेलवे के हिस्से का काम हर हालत में नवंबर तक पूरा हो जाएगा। उल्लासनगर क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज के निर्माण में देरी के लिए उन्होंने NHAI को जिम्मेदार ठहराया।
उन्होंने कहा कि रेलवे अपने हिस्से का बजट दे चुका है, अब इस ओवरब्रिज के निर्माण में उसकी कोई भूमिका नहीं है। बता दें लाल फाटक क्रॉसिंग पर पहुंचे रेलवे महाप्रबंधक ने ओवरब्रिज का नक्शा देखने के बाद स्थानीय अफसरों से रेलवे के हिस्से के काम के बारे में जानकारी ली, साथ ही फिर ओवरब्रिज के निर्माण का भी जायजा लिया। करीब 20 मिनट तक लाल फाटक क्रॉसिंग पर रुके महाप्रबंधक ने एक एक हिस्से का बारीकी से मुआयना करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि रेलवे नवंबर तक हर हालत में अपने हिस्से का निर्माण पूरा कर देगा और सेतु निगम कब तक काम करेगा और काम पूरा होने के बाद ओवरब्रिज कब चालू हो पाएगा ये उसी पर निर्भर करेगा। वहीं हुलास नगरा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज के निर्माण में देरी से वहां अक्सर जाम लगने के सवाल पर रेलवे के महाप्रबंधक ने कहा कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पर एक ही एजेंसी काम करती है, हुलास नगरा पर ओवरब्रिज के निर्माण का काम NHAI को करना है, ऐसे में रेलवे अपने हिस्से का बजट पहले ही दे चुका है और इसीलिए ओवरब्रिज के निर्माण में देरी होने में रेलवे की कोई भूमिका नहीं है। पैसेंजर ट्रेनों के संचालन पर भी उन्होंने कहा कि पब्लिक की मांग पर ट्रेनें चलाई जा रही हैं और अभी पैसेंजर ट्रेनों के चलाने की मांग मुरादाबाद मंडल को नहीं मिली है। साथ ही एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि लखनऊ दिल्ली पर दो अतिरिक्त लाइनें बिछाने की फिलहाल कोई भी योजना नहीं बनाई गई है। देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस 4 महीने बाद आज फिर से लखनऊ नई दिल्ली वाया कानपुर सेंट्रल चलनी शुरू हो गई है। बता दें कोरोना की वजह से इस ट्रेन का संचालन 3 बार बंद हुआ था और कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के मद्देनजर तेजस एक्सप्रेस में सैनिटाइजेशन के साथ सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों को फेस शील्ड भी दी जाएगी, साथ ही IRCTC की इस ट्रेन का संचालन सप्ताह में 4 दिन यानी कि शुक्रवार शनिवार रविवार और सोमवार को किया जाएगा। वहीं तेजस का गाजियाबाद में भी स्टॉपेज है। बता दें कि कोरोना के चलते तेजस एक्सप्रेस का संचालन 19 मार्च 2020 और 23 नवंबर 2020 और 4 अप्रैल 2021 को बंद करना पड़ा था। गोरखपुर में मुख्यमंत्री शादी अनुदान योजना के 51,000 रुपयों का लाभ पाने के लिए 7 जोड़ों ने शासन के मानक को दरकिनार करते हुए समाज कल्याण विभाग में आवेदन कर दिया है। बता दें 5 जोड़ों ने विवाह के 11 साल बाद आवेदन किया, जबकि 2 जोड़े ऐसे थे जिनमें वर की उम्र ही कम थी और जांच और सत्यापन में ये खामियां पकड़ में आई और उसके बाद आवेदन उनका निरस्त कर दिया गया है। बता दें सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की कन्याओं के विवाह में मदद करने के लिए शादी अनुदान योजना चलाई जा रही है। इस योजना में गरीब परिवार की कन्या के विवाह में सरकार की ओर से 51,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है, साथ ही अनुदान की ये राशि हासिल करने के लिए 7 अपात्र जोड़ों ने समाज कल्याण विभाग में ऑनलाइन आवेदन किया है। इनमें से 5 जोड़े ऐसे थे जिनका विवाह 11 साल या उससे भी पहले हुआ था और 2 जोड़े ऐसे थे जिनका विवाह तो इसी साल हुआ लेकिन वर या कन्या की आयु कम थी। वहीं जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि ये सभी आवेदन जांच के बाद निरस्त कर दिए गए हैं। तो बता दें सरकार की योजना थी जिसमें 11 ऐसे जोड़े थे जिन्होंने आवेदन किया और जबकि इन सभी जोड़ों की शादी किसी की 11 साल पहले हुई थी, किसी की 10 साल पहले हुई थी, जबकि एक जोड़ा ऐसा था जिसकी इसी साल शादी हुई थी। हालांकि जब प्रशासन को इसकी सूचना मिली, जैसे ही जानकारी मिली, तो इनका अनुदान जो है उसे कैंसिल कर दिया गया। बता दें मुख्यमंत्री शादी अनुदान योजना चलाई जा रही थी ताकि जो गरीब परिवार की बेटियां हैं उन्हें शादी के लिए 51,000 रुपए दिए जा सकते हैं और इसी योजना का फायदा उठाते हुए 11 जोड़ों ने इसमें अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन जब जांच की गई तो फर्जी आवेदन निकला और सत्यापन में ये खुलासा हुआ है, जिसके बाद से प्रशासन की तरफ से ये सख्त कदम उठाया गया और इनके अनुदान को कैंसिल कर दिया गया। Oh.
आगरा में टॉरेंट पावर की बड़ी लापरवाही फिर सामने आई है। बता दें, थाना कमला नगर के बलकेश्वर स्थित संत राम महाविद्यालय के दूसरे गेट पर लगे बिजली के मीटर में भीषण आग लग गई। वहीं आग से बिजली मीटर धू धू करके जलता रहा, लेकिन घटना स्थल पर कोई भी पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा था। कई बार फोन पर आग की सूचना देने के बाद भी घटना स्थल पर टॉरेंट का कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा। तो बता दें, टॉरेंट पावर की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर बिजली के मीटर में आग लग गई, लेकिन जानकारी देने के बाद भी कोई विभाग का कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आगरा का ये पूरा मामला है, किस तरह से मीटर धू धू कर जल रहा है, लेकिन उस पूरी घटना की जानकारी विभाग को दी गई, लेकिन उसके बाद भी विभाग का कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचा। हालांकि लोगों का कहना है कि कई बार फोन पर आग की सूचना दी, लेकिन उसके बाद भी घटनास्थल पर टॉरेंट पावर का कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचा था। बिजनौर के नजीबाबाद में जीआरपी पुलिस ने ट्रेन में अवैध उगाही करने वाले एक फर्जी टीटी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, पुलिस ने फर्जी टीटी से एक हैंडबैग, रेलवे रसीद बुक, सैलरी स्लिप और काफी सामान भी बरामद किया है। तो बता दें, फर्जी टीटी को गिरफ्तार किया है जीआरपी पुलिस ने। पुलिस ने रेलवे रसीद भी बरामद की है, साथ ही और सामान भी बरामद किया है। दरअसल पुलिस को पहले ही इसके बारे में जानकारी मिल रही थी कि एक व्यक्ति फर्जी टीटी बनकर लोगों से ट्रेन में उगाही कर रहा है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से ये एक्शन लिया गया। जीआरपी पुलिस ने फर्जी टीटी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही रसीद भी बरामद की है और अन्य सामान भी फर्जी टीटी से बरामद किया है। ये दिनांक 5/6 की रात की बात है। गाड़ी आ रही थी पंजाब मेल मुरादाबाद से सहारनपुर की तरफ जाने वाली, तो उसमें कोच नंबर S8 में सूचना मिली हमको भी, और टीटी जो उसमें रेलवे के कार्यरत ड्यूटी हैं सरकारी कर्मचारी, उनको सूचना मिली कि एक कोई फर्जी टीटी यात्रियों के टिकट चेक कर रहा है। उस पर शक हो रहा है कि वो टीटी नहीं है, नकली है, फर्जी है। इस सूचना पे मेरे द्वारा टीम को ले गए स्टेशन पर, नजीबाबाद स्टेशन पर, और पंजाब ट्रेन को अटेंड किया गया। तो उसमें S8 कोच में एक टीटी को हमने पकड़ा, उससे पूछताछ करी, जानकारी करने पर पाया कि वो फर्जी टीटी है। उसने टीटी की पोशाक पहन रखी थी, कोट टाई, और बाकी उसके पास सरकारी जो होते हैं टीटी के कागजात वो भी थे। उसको उतार कर उनसे हमने गहनता से पूछताछ की। उसने अपना नाम अरविंद उस गोविंद पुत्र हरिओम, ये निवासी डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर का बताया, और पूछताछ पर उसने बताया कि मैंने जो ये बैग है सरकारी, इसमें EFT जो बुक होती है रेलवे की, वो मैंने 2 दिन पहले मतलब 3 तारीख को एक टीटी की बरेली जंक्शन पर चुराई थी। उस चुराने के बाद में उसको ही वो सवारे को दिखा करके उन पर रोक गालिब कर रहा था, और उनसे धन की मतलब की इच्छा थी कि उनको टीटी बनकर उससे पब्लिक से सवारियों से पैसे ले। ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने लुटेरों से लूट की बाइक समेत काफी सामान भी बरामद किया है। आपको बताते चलें कि आरोपी लुटेरे महिलाओं को अपना शिकार बनाते थे। वहीं लुटेरों ने 31 जुलाई को सेक्टर डेल्टा 1 और Alpha 2 में 2 अलग-अलग महिलाओं से चैन लूट की घटना को अंजाम दिया था। साथ ही लूट की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उनकी तलाशी शुरू की और लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला है, जहां लुटेरों से लूट का माल बरामद किया है पुलिस ने। लुटेरों ने महिलाओं से चैन लूट की घटना को अंजाम दिया था। जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था, वहां पास में लगे CCTV कैमरे में लुटेरों की तस्वीरें लूट के दौरान कैद हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने लुटेरों की तलाश की और बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इनके पास से लूटा हुआ सामान भी बरामद किया है। और बता दें, इससे पहले भी ये कई लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं।
गोरखपुर में जिलाधिकारी के निर्देश पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आबकारी विभाग ने ईंट के भट्टे पर छापेमारी की और मौके से 30 लीटर वैध शराब और 400 लीटर दहन बरामद की है। वहीं आबकारी विभाग ने शराब बनाने वाले उपकरणों को भी नष्ट कर दिया है। तो बता दें, आबकारी विभाग को ये बड़ी सफलता मिली है, जहां आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 लीटर शराब बरामद की है और उसे नष्ट कर दिया है। बता दें, आबकारी विभाग को सूचना मिल रही थी, जिसके बाद ये छापेमारी की गई और बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने ये कार्रवाई की है और ऐसे में भारी मात्रा में शराब भी बरामद की है। 30 लीटर शराब बरामद की गई है और उसे नष्ट कर दिया गया है। साथ ही शराब बनाने वाले उपकरण भी आबकारी विभाग ने बरामद किए हैं और उन्हें साथ के साथ ही नष्ट कर दिया है। हरदोई के सांडी नगर पालिका ईओ राम आश्रय कमल की मनमानी ने जनता और कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसके चलते वहां के समस्त जनहित कार्य रुक गए हैं, लेकिन ट्रांसफर कर आए ईओ ने 20 दिन बाद भी ज्वाइन करना मुनासिब नहीं समझा और वहीं जिले के जिम्मेदार अफसरों को भी सांडी की जनता की समस्याएं नहीं दिख रही हैं। तो बता दें, नगर पालिका ईओ कह रहे हैं कि मनमानी कर रहे हैं और ऐसे में अफसरों को ये मनमानी उनकी दिख नहीं रही है। साथ ही समस्याएं हैं लोगों की, उनका भी समाधान नहीं किया जा रहा है। अफसरों को नहीं दिख रही ईओ की मनमानी, 20 दिन बाद भी उन्होंने अपने पद पर ज्वाइन नहीं किया है और लोगों की समस्याओं का भी निस्तारण नहीं किया जा रहा है। तबादला हो गया, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, कामकार में बाधा हो रही है। तो नए ईओ साहब अभी तक ज्वाइन नहीं किए? हाँ, अभी तक तो नहीं है। कितना दिन हो गया है? 15 को ही ये लिस्ट जारी हुई है, उसके बाद से अभी तक तो नहीं आ पाए। क्या नाम है नए ईओ का? राम आश्रय कमल जी। कहाँ से आए हैं ये? भरतुला शायद था। यहाँ आए काम के लिए, यहाँ कोई मिलते साहब मिलते नहीं है, ईओ साहब रहते नहीं है, यहाँ आए नहीं, आज 15 दिन हो गए हैं। कौन ईओ साहब हैं? नए आए हैं? नए आए हैं। तो कितने दिन से दौड़ रहे हो, नहीं आ रहे? कम से कम हो गया 15 दिन। तो क्या बताया जाता है यहाँ तुम्हें? यहाँ ईओ साहब नहीं है तो बताया कौन है? तुम्हारे जैसे कितने लोग यहाँ आते हैं डेली? हमारे जैसे यहाँ 200 आते हैं भैया। साहब की वजह से? और क्या, वापस चले जाते हैं? वापस चले जाते हैं, कोई काम ही नहीं हो पाता है। यहाँ कहाँ आए हो? यहाँ नगर पालिका में। क्या समस्याओं को हल करने के लिए आते हैं? जब भी 10-12 दिन में, कम से कम 15 दिन हो गए अपना काम करवाने के लिए आते हैं, कोई यहाँ मिलता ही नहीं, ना तो उपस्थित अनुपस्थित रहते हैं। ईओ साहब जो जिन्होंने नई ज्वाइनिंग की वो भी नहीं आते हैं। कितने दिन से नहीं आ रहे हैं? कम से कम हो गया वो 12 से 15 दिन ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। यहाँ के जो बाबू हैं वो लोग कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं रखते हैं। कानपुर में नौबस्ता थाना क्षेत्र के यशोदा नगर में विवाहिता ने सुसाइड नोट लिखकर खुदकुशी कर दी। वहीं विवाहिता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बता दें, विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया है। तो बता दें, पूरा मामला कानपुर का है, जहां पर नवविवाहिता ने खुदकुशी कर ली है और सुसाइड नोट भी नवविवाहिता ने लिखा है और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना करने का आरोप लगाया है। अंबेडकर नगर में टीजीटी टांडा क्षेत्र के किसान इंटर कॉलेज में पेपर लीक होने का आरोप लगाया है और वहीं छात्रों ने परीक्षा छोड़कर जमकर हंगामा किया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ उप जिलाधिकारी टांडा, एडीएम और आला अधिकारी प्रदर्शनकारी छात्रों को समझाने के प्रयास में लगे रहे, लेकिन छात्र नहीं समझे और घंटों उनका धरना प्रदर्शन चला। तो बता दें, छात्रों ने टीजीटी पेपर लीक होने का आरोप लगाया है, जिसके बाद जमकर हंगामा किया गया। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कितनी भारी संख्या में पेपर देने आए ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। हंगामा काफी देर तक चला, हालांकि पुलिस ने समझाया बुझाया भी, लेकिन छात्रों ने एक नहीं सुनी और घंटों तक अपना प्रदर्शन जारी रखा। बिजनौर में समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया।
वहीं प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार पर पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। आपको बताते चले कि सपा कार्यकर्ताओं ने मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की भी मांग की है। साथ ही वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा है। तो बता दें सपा पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं का ही प्रदर्शन है, प्रदर्शन काफी देर तक चला और ऐसे में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है और ऐसे में ज्ञापन भी एक सौंपा गया है। वहीं लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। दरअसल लखीमपुर खीरी जिले के पलिया कोतवाली क्षेत्र के मजगई चौकी के ग्राम लोकनपुरवा के पलिया निघासन रोड का बताया जा रहा है पूरा मामला, जहां एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी थी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। साथ ही बाइक सवार की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। रामपुर में बिलासपुर राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने बूथ प्रभारियों की बैठक में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के विकास कार्यों से विपक्षी बौखला रहे हैं। बीजेपी सरकार में हर योजना का लाभ हर पात्र को दिया जा रहा है। तो बता दें राज्य मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी में हर पात्र को लाभ मिल रहा है। ये तमाम बातें बलदेव की तरफ से कही गई हैं। साथ ही बलदेव सिंह औलख राज्य मंत्री उन्होंने कहा है कि बीजेपी में हर पात्र को लाभ मिल रहा है, विपक्ष पर निशाना साधा है उन्होंने और ऐसे में लगातार वो निशाना साधते हुए नजर आए। देखिए हमारे पूरे प्रदेश में पहले प्रदेश कार्य समिति हुई, उसके बाद जिला कार्य समिति हुई और उसके बाद मंडलों की कार्य समिति की बैठक चल रही है। आज जो बिलासपुर ग्रामीण मंडल है उसमें बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में रहने का मौका मिला है और बहुत सारे इलाकों की समस्या, बहुत सारी पार्टी के जो प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है, मतलब मोदी जी की योजना है, जैसे कई महत्वपूर्ण योजना, जैसे कल ही एक ग्रामीण जो अन्य योजना वितरण का कार्यक्रम हुआ, बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है क्योंकि पहली दफ़ा गाँव के लोगों ने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी किस तरह से आम जनता के लिए कैसे संवेदनशील है और उन्होंने मुफ्त राशन देने का काम जो पहले भी किया अब भी कर रहे हैं। आज हमारे जैसे कि आपको बताया कि हमारे जिले स्तर में कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, पहले प्रदेश की हुई फिर जिले की, उस हिसाब से सेक्टरों की और मंडलों की बैठक हुई। आज हमारे मंडलों की बैठक थी, कार्यकारिणी की बैठक थी। कौन मुख्यमंत्री था वो मुख्य अतिथि कौन था? मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय बलदेव सिंह औलख राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री। क्या फैसला लिया गया मीटिंग में? फैसला नहीं है, कामकाजी मीटिंग था, इसमें कोई फैसला नहीं होता है। जो कामकाजी मीटिंग होता है पार्टी के कार्यकर्ता को दिशा निर्देश किया गया और सबको मतलब सजेस्ट कर 2022 की चुनाव की तैयारी, 2022 की चुनाव की तैयारी, कार्यकर्ता अभी से जुट जाए, चुनाव की बहुत वक्त कम रह गई, अभी 5-6 महीने रह गए, तो चुनाव कार्यकर्ता को जुटने का आह्वान की गई। तो बता दें रामपुर पहुंचे बिलासपुर के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने बूथ प्रभारियों की बैठक में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने बीजेपी के विकास कार्यों से विपक्षी बौखला रहे हैं तमाम बातें कहीं और लगातार कहा कि बीजेपी की सरकार में हर पात्र के लोगों को लाभ मिल रहा है और इसी के साथ बैठक में उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।